ओके बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई दीज पेज नंबर 170। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज रुपीज 7000 इज बोरोड एट 3.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बोरोड फॉर 2 ईयर्स। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। मीन्स अब इसमें क्या गिवन है आपको, कितने पैसे उसने बोरो किए हैं, दैट इज 7000। इट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट इज रुपीज 7000। क्लियर? एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3.5% पर एनम, और कितने टाइम्स के लिए, 2 ईयर्स। मीन्स टाइम पीरियड कितना है, 2 ईयर्स। मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। इट मीन्स द टाइम पीरियड इज 2 ईयर्स। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी ओवर 100। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी आर एंड टी हेयर, वी गेट 7000 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 2 ओवर 100। क्लियर? ऑन सिंप्लीफाइंग वी गेट न्यूमिरेटर इज 49000 डिवाइडेड बाय 100। अब ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया हमारे पास, 490। इट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज 490। Also, we have to calculate the amount to be paid at the end of second year. Therefore, amount is equal to principal plus simple interest, which is equal to 7000 plus 490, which is equal to rupees 7490. Therefore, amount to be paid at the end of second year is rupees 7490. So, this is the requirement. Next is try these page number 171. And the question is question number 2. On a certain sum, the interest paid after 3 years is rupees 450 at 5% rate of interest per annum. Find the sum. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि किसी अमाउंट पे, मतलब कोई अमाउंट है, वो अमाउंट हमें पता नहीं है, और उस अमाउंट पे 3 years के लिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसका जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 450 रुपीज। क्लियर? एंड वी हैव टू फाइंड द सम। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। क्लियर? हमने क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, प्रिंसिपल अमाउंट। एंड व्हाट वी हैव गिवन, वी हैव गिवन सिंपल इंटरेस्ट विच इज इक्वल टू रुपीज 450 and rate of interest is equal to 5% per annum and the time period is 3 years. And we have to calculate the principal amount. Sum means we have to calculate the principal amount. Now, using this formula, that is simple interest is equal to P into R into T over 100. Here, सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, टाइम पीरियड इज गिवन, एंड वी हैव टू फाइंड आउट प्रिंसिपल अमाउंट। क्लियर? तो यहां से हम प्रिंसिपल अमाउंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू, इस 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड से डिवाइड। क्लियर? तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट कैन बी रिटन एज सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 ओवर रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 10। क्लियर? अब यहां पे सिंपल इंटरेस्ट, रेट और टाइम की जो वैल्यू गिवन है वो यहां पे पुट करके प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करना है। सो प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 450 मल्टीप्लाई 100 ओवर 5 मल्टीप्लाई 3। क्लियर? 5 ones are 5, 5 20s are 100, 3 ones are 3, 3 150s are 450. Therefore,
principal amount is equal to 150 multiplied 20, which is equal to 3000. Therefore, required sum is equal to rupees 3000. So this is the required answer. Next is exercise 8.3, question number 1, D part, and the question is, tell what is the profit or loss in the following transaction. Also find profit percent or loss percent in each case. And we have question number 1, D part, a skirt bought for rupees 250 and sold at rupees 150. अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, एक skirt है जिसको कितने में खरीदा है, 250 rupees में. It means the cost price of the skirt is equal to rupees 250 and that is sold at rupees 150. Means selling price of the skirt is rupees 150. Now clearly here CP, that is cost price, is greater than selling price. Clear? Or agar cost price selling price is greater hai, it means that there will be loss. Clear? And the loss will be equal to cost price minus selling price. Clear? Which is equal to 250 minus 150 and which is equal to 100. It means kitne ka loss hua? 100 rupees ka loss hua. Therefore, loss is equal to rupees 100. Also, we have to find. Now, loss percent is equal to loss over CP multiplied by 100 percent. Clear? Now, putting the value of loss and CP here, we get 100 over 250 multiplied by 100. Clear? ये 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100. So loss percent is equal to 2 multiply 20, 40 percent. So this is the required answer. Next is question number 2, D part, convert each part of the ratio to percentage. Means ये आपको रेशियो दी हुई है 1:2:5 और इसके हर पार्ट को जो है आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले हमने यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, टोटल ऑफ द पार्ट. टोटल ऑफ द पार्ट इज इक्वल टू 1+2+5, दिस इज इक्वल टू 8. क्लियर? नाउ परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट, percentage of first part is equal to 1 over total part 8 multiplied by 100. अब इसको simplify कीजिए, 4 2 जा 8, 4 25 जा 100. So it becomes 25/2% and which can also be written as 12.5%. Therefore, percentage of first part is equal to 12.5%. Clear? Next is percentage of second part, this is equal to 2/8 multiplied by 100 percent. Now 2 4 is 8 4 1 is 4 4 25 is 100, so it becomes 25%. Therefore percentage of second part is equal to 25%. Clear? Next is percentage of third part, 5/8 multiply by 100. अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, 4 2 जा 8, 4 25 जा 100. So it becomes 125/2% and this can also be written as 62.5%. Therefore, percentage of third part is equal to 62.5%. Clear? Hence, percentage of first part is equal to 12.5%, percentage of second part is equal to 25%, percentage of third part is equal to 62.5%. So this is the required answer.
Next is question number 4. Arun bought a car for ₹3,50,000. The next year, the price went up to ₹3,70,000. What was the percentage of price increase? अब यहाँ पे क्लियर है कि प्राइस इंक्रीज ही कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे यही पूछा है कि व्हाट वाज़ द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि अरुण ने एक कार खरीदी जिसका प्राइस कितना है 3,50,000 और नेक्स्ट ईयर जो प्राइस है वो कितना हो गया इंक्रीज होके 3,70,000। देन वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन अमाउंट ऑफ चेंज, is equal to ₹3,70,000 minus 3,50,000. Clear? Which is equal to ₹20,000. Right? So kitna price increase hua? ₹20,000. Clear? Therefore, percentage increase is equal to amount of change over original amount multiplied by 100. Clear? ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। अमाउंट ऑफ चेंज कितना है 20,000। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ चेंज हियर वी गेट 20,000 ओवर ओरिजिनल अमाउंट। अब देखिए यहाँ ओरिजिनल अमाउंट कितना है 3,50,000। क्यों? क्योंकि इसी अमाउंट से इंक्रीज करके अमाउंट कितना पहुंचा 3,70,000। सो देयरफॉर ओरिजिनल अमाउंट विल बी 3,50,000। तो वो अमाउंट आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है। 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसकी कटिंग कीजिए, ये टू जीरोस यहां कैंसिल हो गया, यहां कैंसिल हो गया, ये 5 40s are 200, 5 7s are 35, तो ये कितना आ गया 40 by 7%। क्लियर? विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 5 and 5 by 7। Therefore, percentage increase in price is 5 and 5 by 7%. So, this is the required